आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वेमेन। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। से बिजनेस का ये शो खास हमारी फीमेल दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप कोई निवेश पर राय लेना चाहते हैं या मौजूदा पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट से सलाह लेना चाह रहे हैं कि क्या ये पोर्टफोलियो सही है, तो यही वो शो है जहां आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तरीका एक बार आपको बताते हैं कैसे आपको शो में सवाल भेजने हैं। जी हाँ, ईमेल के जरिए आप सवाल भेज सकती हैं। shi@znetwork.com हमारा पता है। साथ ही SMS भी कर सकती हैं 575 पर। शी हमारा कोड रहेगा। शी लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल आप भेज पाएंगी। याद रहे कि ईमेल के जरिए अपना फोन नंबर जरूर लिखें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बलवंत जैन है अपना पैसा से। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत साहब आपका। थैंक यू। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज किन मुद्दों पर, किन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। पीपीएफ से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है, उसको शामिल करेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में अगर पोर्टफोलियो बना रही हैं तो कैसे करें प्रॉपर प्लानिंग, और साथ ही पीपीएफ अकाउंट में एक्सटेंशन ज्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर एक नया अकाउंट खोलना। कुछ लोन से जुड़े हुए भी सवाल आए, उनको भी शामिल करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली दर्शक फोन लाइन पर, हमारे साथ अश्विनी मौजूद है। नमस्कार अश्विनी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार, दिस इज अश्विनी फ्रॉम बेंगलुरु। जी मैम बताइए। Yeah, we have taken a loan of 20 lakhs from LIC Housing Finance. Okay. With the interest rate of 10.7 for a duration of 12 years. Okay. And my husband is paying EMI for that. I am a working woman. We are planning for invest 20,000 per month. And we are thinking for two options. Either to paying prepayment for loan or invest in some plan for education, children education. Okay. Can you please suggest me better option between this? Sure, बिल्कुल। आप अपने बच्चे की उम्र बता पाएंगे, कितना बच्चा आपका? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए हैं। अच्छा, ओके, आगे के लिए आप प्लान कर रही हैं? या। चलिए बहुत बेहतर है। और दो चीजें इन्होंने सोची है बलवंत साहब, इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसा इनकी सारी डिटेल्स इन्होंने हमसे शेयर करी, मेल के जरिए भी आपके साथ हमने शेयर किया था। LIC हाउसिंग का जो लोन है उसको अभी 12 साल के लिए इन्होंने लिया है, लेकिन आगे का सोचते हुए प्रीपेमेंट कर देती हैं तो इन्वेस्टमेंट्स पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। ऐसे में अभी जैसे हमने इनसे सुना कि बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में, यानी नियर अबाउट 10 इयर्स का तो कम से कम नजरिया लेकर चल रही हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स में वो पैसा डाइवर्ट करें जो सरप्लस इनके पास है, या फिर अपना लोन चुकाना बेहतर रहेगा? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है अश्विनी जी को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है 10.7, वो हायर साइड में है। आज ही जैसे स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि 75 लाख तक का जो लोन है उस पर जो फीमेल्स हैं उनके लिए 10.10 है, और जो जनरल है उनके लिए 10.15 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इनको इमीडिएटली अपना जो लोन है वो स्टेट बैंक में शिफ्ट कर लेना चाहिए, और बैलेंस ट्रांसफर के लिए तो उनको सिर्फ 1,000 रुपये ही फी देनी पड़ेगी, और मैं प्रज्यूम करता हूँ कि ये फ्लोटिंग रेट में होगा। दूसरा कि इनको लोन रीपेमेंट करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा अश्विनी जी को कि जो आप होम लोन लेती हैं उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं उस पर, दोनों पे आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जैसे घर में आप रह रहे हैं तो इंटरेस्ट का 1.5 लाख रुपये तक का बेनिफिट है, और जो प्रीपेमेंट करते हैं उसमें 1 लाख रुपये का बेनिफिट मिलता है। तो इफेक्टिवली जो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप ये जो आपका जो होम लोन है उसको चलने दीजिए, और ये होम लोन का तो क्या इंटरेस्ट का साइकिल चलता रहता है। अभी जैसे रेट्स लग रहा है पिक पे है, इन ड्यू कोर्स थोड़ी नीचे भी आ जाएगी। आपको बच्चे के जो प्लानिंग करनी है तो लग रहा है मेरे को कि भी आप प्लान बच्चे के लिए प्लान करिए तो कम से कम मैं प्रज्यूम करता हूँ 18 साल तो हो गई, तो आपको 18 साल का अगर टाइम ओरिजिन है तो आपको जो लार्ज कैप इक्विटी के म्यूचुअल फंड है उसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। हर महीने फिक्स सम, जैसे आप बता रही 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहती है, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप दो फंड में, एक ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है और एक UTI अपॉर्चुनिटी का फंड, उसमें दोनों में 10,000 रुपये डाल दीजिए। और अगर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहती है तो 10% आप PPF में डाल दीजिए, बाकी इसमें डाल दीजिए। और एक और सुझाव मैं अश्विनी जी को दूंगा कि आप हर साल, साल में एक बार कम से कम आपका जो पोर्टफोलियो है वो रिव्यू कर दीजिए, और आप जैसे जो फंड में इन्वेस्ट किया है आप देख लीजिए कि वो बेंचमार्क के हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको वो दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करना पड़ेगा। जी हालांकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं था कि फ्लोटिंग रेट पर उन्होंने लिया है नहीं, बट मौजूदा जो इनफैक्ट बाजार में माहौल है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, जैसे लोन प्रीपेमेंट की यहाँ पर बात हो रही है और क्योंकि इन्होंने LIC हाउसिंग से लिया है न कि किसी बैंक से, कुछ चार्जेस वगैरह यहाँ पर इनको देने होंगे अगर प्रीपेमेंट का ये मन बनाती हैं तो? नहीं, अभी पूछ लेते ना अश्विनी जी को कि इनका फ्लोटिंग रेट पे है या फिक्स रेट पे है,
क्यों अश्विनी जी, फ्लोटिंग में या फिक्स में है? चलिए इस वक्त उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसे एक्सपर्ट की राय है अश्विनी आपके लिए, आप क्योंकि बहुत आगे का सोच रहे हैं तो फिलहाल बैलेंस फंड से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ फंड्स भी पलवन साहब ने आपको सजेस्ट किए हैं, ICICI बैलेंस्ड एक फंड हो सकता है अच्छा, और साथ ही टाटा का भी एक बैलेंस फंड है। दोनों के रिटर्न कंपेयर करने की कोशिश की हमने टेबल के जरिए, 5 साल के अंदर इनका प्रदर्शन कैसा रहा है। करीब करीब 17 से 19% का रिटर्न एक सालाना आधार पर देखने को मिला है। हालांकि हिस्टोरिक रिटर्न है, जरूरी नहीं है कि आगे भी आपको सिमिलर रिटर्न मिले। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल किया है हमने, ये कुछ टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। विशुमा जी का सवाल है, कोलकाता से इन्होंने सवाल भेजा है, और कुछ इन्होंने जैसे लिखा है कि मैं टीडीएस रिफंड का वेट कर रही हूं, फाइनेंशियल ईयर 2012-2013 की ये बात कर रही हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि कब इन्होंने ये भरा था, लेकिन ये आपसे जानना चाह रही है कि इसमें कोई टाइम लिमिट होती है कि कितना डिले होगा, और इन केस ये डिले हो रहा है तो क्या इनको कोई इंटरेस्ट इस पर मिलेगा? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल किया है, अगर आपने आपने आपका उसमें रिफंड का क्लेम है, तो रिफंड का जो प्रोसेस, रिटर्न प्रोसेस करने का टाइम है, जो लिमिट है, उसने आपने जिस साल में रिटर्न फाइल किया है उसका साल खत्म होने के एक साल के अंदर अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न प्रोसेस करना पड़ता है और रिफंड आ जाता है। तो जैसे ये 12-13 का है तो ये करंट ईयर में फाइल किया होगा, तो ये 31 मार्च 2015 तक उनका रिफंड आ जाना चाहिए। पर इन प्रैक्टिस नॉर्मली आप रिटर्न फाइल किया तो आपका एक साल के अंदर अंदर इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो आ जाता है। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इन्होंने अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल किया है, तो कभी भी इनका रिफंड आ सकता है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये एक तो ऑनलाइन भी जो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग जो साइट है वहाँ पे जो माई रिफंड का टैब है उस पर चेक कर सकती है कि क्या स्टेटस है। और एक और सजेशन मेरा रहेगा कि ये जो 20 इनका अपना खुद का जो 26 AS है वो चेक कर ले कि उसमें जो TDS ये कह रही है, उन्होंने क्लेम किया है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे बैंक ने कोई TDS काटा, उन्होंने कोई पेन नंबर गलत कोट कर दिया, तो वो सर्टिफिकेट आपको जैसे दे दिया पर आपको आपका जो 26 AS है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो क्रेडिट है वो आपका 26 AS में कितना TDS है उसके बेसिस पे देगा। बलवंत साहब, आप 26 AS है वो आप वेरीफाई करवा दीजिए। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने फॉर्म 26 AS की बात की, अगर उसका भी ऑनलाइन स्टेटस जानना हो तो इसी लिंक पर जाना होगा, incometaxefiling.gov.in, जो आपने यहाँ पर बताया। सही बताया पल्लवी, इस ये तो साइट है, वहाँ पे तो आप अपना 26 AS वेरीफाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जनरली ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बैंक्स हैं उनके साथ में टाइप है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो आप वो जो बैंक है वहाँ पे जाके भी आप 26 AS का जो लिंक है उसके पे क्लिक कर सकती है, तो वो जो अल्टीमेटली आपको इनकम टैक्स की साइट पे ले जाएगा और वहां से आप अपना 26 AS देख सकती है पिछले 4-5 साल। तो तरीका काफी आसान है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जी। चलिए बलवंत साहब, अगला सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे, एक ईमेल है, काफी ब्रीफ इन्होंने सवाल पूछा है, टैक्स सेविंग FDs के बारे में जानना चाह रही है। इनकी जो आय है करीब करीब 25,000 रुपए मासिक है, आपसे जानना चाह रही है कि इसमें टैक्स छूट कैसे मिलेगी। इनफैक्ट जब ये FD खोलने जाएंगी, एक क्या एक नॉर्मल FD और एक टैक्स सेविंग FD में क्या अंतर रहेगा, और बैंक को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देने होंगे? देखिए पल्लवी, ऐसा है, कुसुम जी को जो टैक्स सेविंग FD के बारे में उन्होंने पूछा है, तो जो सेक्शन 80C के तहत जो स्पेशल टैक्स FD होती है जो 5 साल उनका ड्यूरेशन होता है, उस पर आप बाकी जितनी भी आइटम्स है, LIC है, PPF है, प्रोविडेंट फंड है, NSE, उसके साथ में कुल मिला के 1 लाख रुपये तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर ये जो बैंक जो टैक्स सेविंग FD है वो इलिक्विड है, आप 5 साल तक उसके सामने लोन भी नहीं ले सकते, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% के आसपास है। तो अगर इनको पैसा इन्वेस्ट करना और थोड़ी लिक्विडिटी भी चाहिए और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो NSE खरीद सकते हैं जिसपे 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका भी ड्यूरेशन 5 साल का है, परंतु आपको अगर पैसे की जरूरत हो तो उसके सामने आप बैंक से लोन ले सकती है जी। तो 5 साल का ही अगर आपको विकल्प तलाशना है, NSE यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक और विकल्प हो सकता है। हालांकि FD की रेट्स भी हम दिखाने की कोशिश की, लगभग 9% मिलेगा, लेकिन याद है लिक्विडिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, और साथ ही इस पर लोन की भी कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि NSE पे अगर कंपेयर किया जाए ब्याज दर जरूर 0.5% कम आपको मिल रही है, लेकिन लिक्विडिटी वहां पर होगी और लोन भी आप ले पाएंगी अगर आपको कभी रकम की जरूरत हुई। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है।
आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए बलवंत जैन हमारे साथ मौजूद हैं, CFO अपना पैसा.com। एक बार और आपको बताएं कि आपका शो अब ट्विटर पर भी मौजूद है, यानी ट्विटर से भी आप सीधे जुड़ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल नोट करें, MMW_ZBusiness। जी हाँ, इस ट्विटर हैंडल से जुड़कर आप एक्सपर्ट से अपना कोई भी सवाल पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ पूछ पाएंगे, साथ ही लेटेस्ट जानकारियां भी ले सकती हैं। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। प्रियंका राजू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पटना से। नमस्कार प्रियंका, पूछिए क्या सवाल है। प्रियंका आप सुन पा रही हैं? प्रियंका आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, प्रियंका ने सवाल ईमेल से भी शेयर किया था इनफैक्ट, और उनसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं फोन उनका मिल जाए, लेकिन उन्होंने सवाल जो हमसे शेयर किया वो आपको पढ़ के बताते हैं। बलवंत साहब, इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और टीचर हैं स्कूल में, और इन्होंने हालांकि अपनी सैलरी कुछ मेंशन नहीं की है यहाँ पर, और ये जानना चाहती हैं कि मैं करीब करीब 25 साल मेरी उम्र है और 2000 रुपये प्रति माह SIP के जरिए निवेश करना चाहती हूँ, कितना रिस्क ले पाएंगे ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्या आप इनको सजेस्ट करेंगे? हालांकि होराइजन भी नहीं है, लेकिन इनकी उम्र काफी कम है, लुकिंग एट हर एज प्रोफाइल आप इनको क्या सजेस्ट करते हैं, कौन से फंड्स में ये शुरुआत कर सकते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन क्या है। जैसे इनका जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो हम लोग नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनको बैलेंस्ड फंड सजेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फीचर होता है कि जो डेट और इक्विटी में ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाता है। जो बैलेंस फंड है उसमें 70% है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, 30% है वो डेट में होता है, और जैसे ही कोई पर्टिकुलर प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाता है। और हम लोग नॉर्मली ICICI प्रूव बैलेंस फंड और टाटा बैलेंस फंड रिकमेंड करते हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को, या फिर जिनका टाइम होरिजन 5। प्रियंका इस वक्त फोन लाइन पर भी है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार प्रियंका, 5 से 10 साल के बीच में, ठीक है प्रियंका? नमस्कार, आप सुन पा रही हैं? मैम काफी देर से आपका फोन हम ट्राई कर रहे थे, आप बता पाएंगे आपने जो ये 2000 रुपीज पर मंथ का जो आपने पूछा एक्सपर्ट से, कितने साल के लिए आप करेंगे निवेश? 1 साल के लिए। 10 साल के लिए जी। और मैम अगर आपने जैसे मेंशन किया आप स्कूल में पढ़ाती हैं, लगभग मंथली आपकी सैलरी बता पाएंगी? मेरी सैलरी जी 20,000। चलिए, उसमें से 2000 रुपए आप 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। कुछ मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके बिसाइड म्यूचुअल फंड्स? हम म्यूचुअल फंड में करना चाह रही हैं आप? सालाना 10,000 हम जी जमा करना चाहते हैं। आपने फिलहाल कहीं कोई FD या कोई PPF खाता खोला हुआ है? चलिए, फिलहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। परमन साहब, जैसे इनकी बातों से हमें लगा एकदम फ्रेश इन्वेस्टर हैं, फर्स्ट टाइम निवेश कर रही हैं, हालांकि थोड़ा लंबा ही नजरिया लेकर चल रही हैं, उम्र भी काफी कम है। कौन से फंड्स की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, रिस्क कितना ले सकती हैं, ये कितना इनके लिए लेना सही रहेगा लुकिंग एट द फैक्टर कि ये बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट और कोई एक्सपोजर नहीं है इनको मार्केट का? देखिए प्रियंका जी को जैसे टाइम होरिजन उनका 10 साल का है, तो नॉर्मली 5 साल से 10 साल का जो टाइम होरिजन है उनके लिए हम बैलेंस फंड ही रिकमेंड करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि बैलेंस और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर भी है, तो दोनों चीज़ें हो गई है, तो हम लोग ICICI प्रू का बैलेंस फंड है और टाटा फंड है वो सजेस्ट करते हैं। जैसे 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहती है, या तो चाहे तो एक ही फंड में डाल सकती है या दोनों फंड में 1000-1000 रुपये डाले, पर पीरियडिकली सब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मेरा सुझाव रहेगा कि उनको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए कि उनका जो फंड है वो बराबर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में भी वो जो फंड हाउस है वो सेम परफॉर्म करेगा जी। और जैसे कि आपको देख पा रही हैं बैलेंस फंड्स की यहाँ पर सलाह दी गई है आपको, बैलेंस फंड्स में कई सारी AMCs हैं, हालांकि ICICI और टाटा बैलेंस के रिटर्न्स हमने दिखाने की प्रियंका आपको कोशिश की है, साथ ही क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी कम है आप करीब करीब 70% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, कुछ हिस्सा आप डेट में भी कर सकती हैं, PPF खाता अगर नहीं खोला है वो भी खोलने पर विचार कर सकती हैं। ये कुछ फंड्स हैं जो हिस्टोरिक रिटर्न्स उनके 5 साल के अंदर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन याद रहे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होंगे, इसमें से कुछ कम रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं, अच्छे से तुलना करें, साथ ही
एक्सपेंस रेशियो वगैरह जैसे कई और भी फैक्टर्स हैं वो आपको देखने होंगे। पहली बार निवेश कर रहे हैं तो KYC कराना बेहद जरूरी होगा। आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह जैसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं। अगर किसी वित्तीय सलाहकार की आप मदद लेना चाहें तो उसमें कुछ फीस आपको लगेगी, आप कोई एडवाइजर भी हायर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं। ये सवाल PPF पर है बलवंत साहब, और ये कनुप्रिया का सवाल है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से उन्होंने पूछा है। जानना ही चाह रही इनका ऑलरेडी PPF अकाउंट है मैच्योरिटी पर, क्या उसको ये एक्सटेंड करें या फिर एक नया खाता खोलें? इसमें मतलब कुछ एक प्रोविजन कुछ अलग हो जाता है या क्या, किस तरह से इसको आप आंसर करेंगे? पल्लवी ऐसा है, कनुप्रिया डिपेंड, मेरा आंसर उस पर डिपेंड करेगा कि कनुप्रिया जी को जो पैसा मैच्योरिटी पे आ रहा है वो सब पैसा एक साथ यूज कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अगर वो सब पैसा एक साथ यूज नहीं कर पाएगी तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये खाते को 5 साल के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड कर सकती है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.7% है वो टैक्स फ्री है। इसके अलावा उनको हर साल जो 60% जो बैलेंस है मैच्योरिटी पे मैक्सिमम उतना जब कभी भी जरूरत हो साल में एक बार वो विड्रॉ भी कर सकेगी। तो अगर जैसे मैच्योरिटी वाला पैसा निकाल दिया और नया अकाउंट अगर खोल दिया तो नए अकाउंट में आपको 7वें साल के पहले एक भी पैसा आप विड्रॉ नहीं कर पाएगी। तो अगर उनको पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं है और भविष्य में अगले 5 साल में जरूरत पड़ने वाली है तो वो खाते को उनको एक्सटेंड करना चाहिए। तो उनका जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है PPF अकाउंट में उस पर भी उनको 8.7% का टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा, और आज की तारीख में मार्केट में 8.7% का टैक्स फ्री रिटर्न बहुत कम एवेन्यूज अवेलेबल है जी। और साथ ही बलवंत साहब, क्या पेपर वर्क वगैरह भी कुछ रहेगा? अगर मान लीजिए कोई अपना खाता मैच्योरिटी पर बंद करके एक दूसरा खाता या किसी और नाम से खोलता है, ऐसे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा रहेगी या एक्सटेंशन, मतलब जैसे आपने बोला एक्सटेंड करना ज्यादा फायदेमंद है इनके लिए? नहीं, पल्लवी सही बात बताया आपने कि अगर खाता नया खोलना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा देने पड़ेंगे, परंतु अगर आपको एक्सटेंड करना है तो कोई फॉर्म रूल्स में स्पेसिफाई किया हुआ है वो भर के दे दो। और नॉर्मली बैंक वाले वो फॉर्म भी इंसिस्ट नहीं करते हैं, आप 15 साल कंप्लीट होने के बाद में जब कंट्रीब्यूशन देते हो वो एक्सेप्ट कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट वो आपका जो अकाउंट है वो एक्सटेंड हो जाता है अगले 5 साल के लिए। तो उम्मीद है कनुप्रिया आपका यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जैसे हालांकि PPF आपको 15 साल पूरे करने ही होंगे, लेकिन एक्सटेंशन एक बेहतर विकल्प होगा रादर देन आप एक नया अकाउंट खोलें। काफी डॉक्यूमेंटेशन से भी आप बचेंगे, और साथ ही जैसे एक्सपर्ट ने भी बताया कि आपको जब रकम निकालने की जरूरत होगी तो उसमें प्रीवियस जो शुरुआती फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं वो उस अकॉर्डिंगली काउंट किए जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कैसे आपको शो का हिस्सा बनना है, यानी सवाल कैसे भेजने हैं। ईमेल आईडी हमारा नोट करें, shi@znetwork.com पर आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। याद रहे अपना फोन नंबर उसमें जरूर मेंशन करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। साथ ही SMS भी कर सकते हैं, श्री लिखकर अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। जल्द लौटते हैं कुछ और सवालों के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, आखिरी सेगमेंट है इसलिए आखिरी सवाल शामिल करेंगे। प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कोलकाता से, रामपुर हाट से। नमस्कार प्रिया, पूछिए क्या सवाल है। प्रिया आप सुन पा रही हैं? प्रिया आपने सवाल भेजा था मनी मैटर्स फॉर वुमेन में, आप इस वक्त आवाज मिल रही है आपको? लगता है प्रिया से संपर्क नहीं हो पाया है, हालांकि हम उन्होंने मेल में अपना नंबर जरूर दिया था और हमने कोशिश भी की है। उनका पोर्टफोलियो फिलहाल देखते हैं प्रवीण साहब, इनके पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स हैं, और जैसे इन्होंने लिखा 6,500 रुपए प्रतिमाह करीब ये इसमें निवेश करें, 2 साल इनको हो चुके हैं निवेशित हुए। HDFC टैक्स सेवर जो की ELSS फंड है, उसके अलावा UTI अपॉर्चुनिटीज, SBI इमर्जिंग बिजनेस, रिलायंस रेगुलर सेविंग इक्विटी, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100, SBI गोल्ड, यानी अलग अलग कैटेगरीज के फंड इन्होंने चुने हुए हैं, और टोटल अमाउंट जो है करीब करीब 6,500 रुपए है। 2 साल हुए हैं, ELSS का 1 साल का लॉक इन भी बचता है। फिलहाल देखते हैं, कोशिश करते हैं, फोन लाइन पे है नहीं। प्रिया आप सुन पा रही हैं? हेलो, नमस्कार प्रिया, पूछिए एक्सपर्ट से क्या क्वेश्चन है। मैं प्रिया बोल रही हूँ, मेरा पोर्टफोलियो के ओवर डाई जानना चाहती हूँ। कितने साल के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है अपना? कितने साल के लिए? जी चलिए 10 ईयर्स के लिए, अच्छा होराइजन लेकर चल रही हैं, और काफी एज भी काफी कम है प्रिया की, और 2 साल इनको ऑलरेडी हुए हैं। बलवंत साहब पोर्टफोलियो पर आप क्या राय देंगे, और साथ ही 10 सालों में कितना कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकती है इन सभी फंड से?
पल्लवी ऐसा है कि प्रिया एक तो सबसे बढ़िया काम कर रही है म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक SIP के जरिए इन्वेस्ट करने का, वो सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। और जो मेरे पास डिटेल्स हैं उनके फंड्स की, उसके बारे में मेरे रिकमेंडेशन है कि जो HDFC टैक्स सेवर है उसमें जो SIP है वो बंद कर देवे और उसकी जगह फ्रैंकलिन इंडिया का टैक्स शील्ड है उसमें शिफ्ट कर देवे। UTI अपॉर्चुनिटी फंड है वो शुरू रख सकती है, SBI एमर्जिंग फंड है उसकी SIP शुरू रख सकती है, और SBI गोल्ड है उसमें वो इन्वेस्टमेंट उनका जो जा रहा है वो रेगुलर कंटिन्यू कर सकती है। रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड की जगह मेरा सुझाव रहेगा कि वो SIP बंद कर दे और रिलायंस अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें सेम अमाउंट की SIP कर दे, और DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 की जगह ICICI प्रूडेंशियल का जो ब्लू चिप फंड है उसमें शिफ्ट कर दे। और ये कितना पैसा आएगा 10 साल बाद में वो तो एक्सेल की मदद के बिना मेरे लिए तो कैलकुलेट करना मुश्किल है। चलिए, और वैसे भी प्रिया ये ध्यान रखें आप कि जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स नहीं होंगे, चेंज भी हो सकते हैं, 10-12% के आसपास एक अप्रोक्सीमेट आप मान सकती हैं कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। केवल एक सवाल है बलन साहब आपसे, आखिरी सवाल है, HDFC टैक्स सेवर आपने बोला कि उससे शिफ्ट हो जाना बेहतर रहेगा फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड में, लेकिन अगर लॉक इन कंसिडर किया जाए 2 साल इसमें किए हैं तो 1 साल और कंप्लीट करें फिर शिफ्ट करें या इमीडिएटली शिफ्ट करें? नहीं पल्लवी, ऐसा है जो आप लॉक इन पीरियड का कह रही है ना, तो लॉक इन पीरियड आप जो इन्वेस्ट कर चुकी है वो इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकती है। पर लॉक इन पीरियड का मतलब ये नहीं कि आपको 3 साल तक लगातार SIP करनी पड़ेगी। तो जैसे जितना उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो इन्वेस्टमेंट जो लास्ट SIP है वो उसका पैसा वो 3 साल पूरा होने के बाद ही निकाल सक पाएगी। तो ये शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया जो टैक्स सेविंग ELSS फंड है उसमें डाल सकती है, और तो उसमें पहले जो तीन चेंजेस जाएगी उससे उसकी 3 साल की लिमिट चालू होगी। प्रिया आपके लिए 3 चेंजेस है, 3 फंड्स हम देख सकते हैं उनके रिटर्न्स 5 साल के आधार पर। और फिलहाल आज के शो में इतने सवाल पाएंगे, बलवंत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। चलिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।